नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद का कार्यभार संभाल लिया। वहीं मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है और साथ ही मोदी कैबिनेट के मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय और उनका कार्यभार संभालना शुरू भी कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो तमाम मंत्री हैं वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। मनोहर लाल को आप देख रहे हैं और इसके अलावा अमित शाह की अगर बात की जाए उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाला। एस जयशंकर की अगर बात की जाए तो विदेश मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। जेपी नड्डा की अगर बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। मनोहर लाल जिन्होंने ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है, अभी एक और मंत्रालय है जिसका कार्यभार थोड़ी देर में ही वो संभालेंगे। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव की अगर बात करें रेल मंत्री के तौर पर एक बार फिर से वो नजर आ रहे हैं, अपना कार्यभार संभाल लिया उन्होंने। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए, गिरिराज सिंह की बात करें, शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, इसके अलावा किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर और साथ ही भूपेंद्र यादव की बात की जाए तो उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको मोदी सरकार 3.0 के तमाम मंत्री जिन्होंने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है, अपने अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथ में अब ले ली है। To be once again given the responsibility of leading the Ministry of External Affairs. नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं, नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है और हमारी नारी शक्ति माँ और बहनों के लिए जो एक एम्पावरमेंट की सरकार रही है 10 वर्षों की, उसी भावना के साथ सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा हृदय से आभार। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है और आज दुनिया में भी ठीक है, एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे। ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही